हरियाणा के अंबाला में आशा वर्करों का अपनी मांगों को लेकर गुस्सा फूट गया है। आपको बता दें कि रोष स्वरूप 5 जिलों की आशा वर्कर्स स्वास्थ्य मंत्री के निवास के बाहर पहुंची हैं। यहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर शास्त्री कॉलोनी के बाहर उनके द्वारा धरना भी दिया जा रहा है। आशा वर्करों का कहना है कि कोरोना काल में दोगुनी तनख्वाह देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर आशा वर्करों ने रोष प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। आशा वर्करों का कहना है कि उनकी कोई नई मांग नहीं है, बल्कि सरकार उनकी मांगों को बार बार टाल रही है। आशा वर्कर्स यूनियन की राष्ट्रीय उप सचिव सुनीता का कहना है कि आशा वर्करों को पक्का किया जाए और उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए और सभी सामाजिक सुरक्षा व लाभ भी दिए जाए। उनका कहना है कि एक्टिविटी का काटा गया 50% वेतन तुरंत लागू किया जाए और COVID-19 में काम कर रही आशाओं को जोखिम भत्ते के तौर पर 4,000 रुपए भी दिए जाएं। उनका कहना है कि उन्हें 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि का 50% अलग से दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि गंभीर रूप से बीमार एवं दुर्घटना की शिकार आशाओं को सरकार के पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए, ग्राम स्तरीय आशाओं को स्थायी कर्मचारी बनाया जाए और तब तक पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन मान उन्हें दिया जाए। आशा वर्कर की प्रधान अंजू वर्मा ने आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलकर अपनी सारी मांगों को विस्तार से रखा, जिस पर मंत्री ने उन्हें 15 दिन बाद आने का आश्वासन दिया और कहा कि वे उनकी मांगों को भी शांतिपूर्ण विचार करेंगे। अंबाला से अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य सचिव हूँ। हमारी कोई नई मांग नहीं है। हम लगातार 7 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना काल में आशा वर्कर्स ने फ्रंटलाइन वर्कर बनकर के काम किया है। हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि कोरोना में जो भी काम कर रहे हैं उन सब को डबल वेतन दिया जाएगा। ना तो सरकार ने आशाओं को कोई डबल वेतन दिया और 2018 में हरियाणा सरकार ने हमारी कुछ बढ़ोतरी की थी। उस बढ़ोतरी के साथ हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में कटौती कर दी। हमें कुछ वेतन हरियाणा सरकार देती है और कुछ केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में कटौती की। एक हमारी ये मांग है कि उस कटौती को तुरंत बहाल किया जाए। हमारा जो मानदेय हमें सरकार देती है उस मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। हमारी ये मांगे नई नहीं है, ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग है और सरकार जो है बार बार हमें आश्वासन दे करके लिखित में चिट्ठी दे करके मुकर रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी हमें 2 बार मिलने का टाइम दिया, लेकिन वो बीमार हो गए। हमारे को हरियाणा के सीएम साहब ने भी मिलने का टाइम दिया, लिखित में चिट्ठी दी और वो भी 2 बार जानबूझ करके बातचीत करने से मुकर गए। कम से कम सरकार एक बार हमारी बात तो सुने। बात हम कोई नई मांग लेकर के नहीं आए हैं, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है जो सरकार ने छल किया है। हम केवल बताना चाहते हैं ये ऐसा हो सकता है कि ये प्रशासन द्वारा किया गया हो, इसमें सरकार इन्वॉल्व ना हो, लेकिन एक बार सरकार हमारी बात सुने। सरकार तो बात सुनने को ही तैयार नहीं है। इससे तमाम आशाओं में रोष है। इतनी सर्दी में और जब देश में आज ऐसा माहौल है, तब महिलाओं को ऐसे माहौल में घर से निकल करके और 200-200 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर आना पड़ा है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और हरियाणा सरकार के लिए क्या हो सकती है। कौन कौन से जिलों से आए? आज ये मुख्य रूप से अंबाला, पंचकूला और कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और एक एक हमारे जो राज्य कमेटी है पूरे हरियाणा से वो साथी आए हैं। हमने जो नज़दीकी ब्लॉक थे यहाँ के हालात को देखते हुए अपने प्रोग्राम को हमने छोटा करने का निर्णय लिया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुनीता है मेरा नाम। मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य सचिव हूँ। प्रदेश में 20,268 आशा वर्कर हैं जो इस महामारी में भी काम करती रही हैं। हरियाणा सरकार इनको फिक्स 4,000 रुपये देती है। केंद्र सरकार कुछ कार्यों के इंसेंटिव देती है, उसका 50% हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता था इंसेंटिव का, वो हरियाणा सरकार ने काट दिया है 2018 से। ये हमारी मुख्य मांग है, उसको बहाल किया जाए। हमारे जो मानदेय सरकार देती है उसको महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। देखिए, जानबूझ करके सरकार ऐसा समझ रही है, सरकार ये ढिंढोरा पीट रही है कि हम जो है पूरे देश में हरियाणा में आशाओं को सबसे ज़्यादा मानदेय दे रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सरकार ने हमारे साथ छल किया है, हमारे वेतन में कटौती की है
और जो है सरकार समझती है कि इस आंदोलन को लंबा खींचे, महिलाएं हैं उनके हौसले जो है पस्त हो जाएंगे और ये आंदोलन जो है टूट जाएगा। लेकिन हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, ये सरकार इस गलत फहमी में ना रहे, ये आंदोलन जो है हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं, ये हमारे हक की लड़ाई है। चाहे सरकार जितना मर्जी इस आंदोलन को लंबा खींचे, सरकार को महंगा पड़ेगा, हमें कोई समस्या नहीं है। हम जब तक सरकार हमारे को चैलेंज करती रहेगी, हम सरकार के सारे चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। हम सरकार को कोई अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं, हमारी मांग है सरकार से, सरकार हमसे बात तो करे, एक बार बात तो सुने। सबसे शर्मिंदगी की बात तो ये है कि प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो ये कह रहे हैं कि आशाओं ने फ्रंटलाइन में काम किया है, कम से कम उनकी बात तो सुननी चाहिए, एक बार बात सुने तभी जाके आगे बात बढ़ेगी। हम क्या अल्टीमेटम देंगे, 268 आशा वर्कर, कितने परिवारों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आज कोरोना काल में काम किया, कोरोना के सारे टेस्ट करवाए, कोरोना के सैंपलिंग करवाई, और अब कोरोना का जो है टीकाकरण हो रहा है पूरे प्रदेश में। आशाओं को डराकर धमकाकर उनका टीकाकरण करवाया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरीके से नहीं की जा रही है। जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा, जब हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तो किसकी बात। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।